नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम लोग 4 मार्च की ग्रह स्थिति देखते हैं। मेष राशि में शुक्र का गोचर है, राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बनाकर के मिथुन राशि में चलते हैं, मंगल बृहस्पति केतु धनु राशि में, शनि मकर राशि में, सूर्य बुध कुंभ राशि में गोचर में चलते हैं। राशिफल शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि की स्थिति यूं तो बड़ी अच्छी है, बिल्कुल आप में सुकुमारता और बहुत एक अलग टाइप की ऊर्जा जो बहुत आकर्षक हो चुके हैं आप इस समय, हर आदमी आपकी तरफ ध्यान दे रहा है, एक अच्छी बात है। तो स्वास्थ्य में सुधार है, थोड़ा सा जो जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हो या यूरिनरी सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो वो थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। व्यापार ठीक चल रहा है और प्रेम की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी है, किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं है, बस काली मंदिर जाए, मां को प्रणाम करें और अच्छा होगा। वृषभ राशि, खर्च की अधिकता है, फैशन इत्यादि पे, कुछ गहनों पे, वस्त्र पे, इस पे खर्चे हैं और जुबान अनियंत्रित है, कुछ निगेटिव ऊर्जा का संचार, नकारात्मक ऊर्जा का संचार आपके कुटुंबों में हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिए और अभी पूंजी का निवेश ना करिए और किसी को रुपये पैसे भी मत दीजिए, बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम की स्थिति अच्छी है और व्यापार ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई पड़ रही है। गणेश जी की वंदना करें और काली वस्तु पास रखें, अच्छा होगा। मिथुन राशि, प्रेम में लाभ है या प्रेमी या प्रेमिका को लाभ है, बढ़ोतरी हो रही है, शुभ समाचार की प्राप्ति हो रही है, बड़े रोमांटिक बने हुए हैं आप, बट कुछ उदर रोग से थोड़े परेशान रहेंगे या थोड़ा एनर्जी ऊपर नीचे होगा, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य मध्यम है, व्यापार अच्छा है, प्रेम की स्थिति अच्छी है, मां की वंदना करें और काली वस्तु पास रखें, आपके लिए अच्छा। कर्क राशि, खर्च की अधिकता, नेत्र विकार संभव, थोड़ा मन परेशान रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगी, कुछ नुकसान का सब्जेक्ट दिख रहा है तो थोड़ा सा पार करिएगा बच के, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। स्वास्थ्य मध्यम, प्रेम मध्यम और व्यापार भी मध्यम दिख रहा है आपका। काली वस्तुओं का दान करें और गणेश जी की वंदना करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन वापस मिलेगा, अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं, बट समाचार की प्राप्ति थोड़ी सी विस्मयकारी होगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापार की स्थिति अच्छी है, काली वस्तुओं का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा। कन्या राशि की स्थिति ठीक कही जाएगी, कोर्ट कचहरी में विजय, राजनीतिक लाभ के संकेत है और उच्च अधिकारी प्रसन्न हो रहे हैं, व्यापारिक लाभ है, शारीरिक लाभ है, प्रेम की स्थिति भी आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है, गणेश जी की वंदना करें और अच्छा होगा। तुला राशि, भाग्यवश कोई काम बनेगा, अचानक परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी, बस सम्मान के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतें, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही। स्वास्थ्य अच्छा है, प्रेम अच्छा है और व्यापार अच्छा है, किसी तरह की कोई जोखिम नहीं दिखाई पड़ रही है। शनिदेव को प्रणाम करें, कुछ उनके चरणों में अर्पित करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट लग सकता है, अचानक परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती है, बच के पार करें। शारीरिक मध्यम, व्यापारिक मध्यम और प्रेम की स्थिति भी मध्यम है, हरी वस्तुओं का दान करें और काली वस्तुओं का दान करें, आपके लिए अच्छा है। धनुराशि, व्यापारिक लाभ, अचानक कुछ लाभ हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, प्रेम में ना उलझे, स्वास्थ्य में उधर की थोड़ी परेशानी है, व्यापारिक स्थिति आपकी ठीक दिख रही है, हरी वस्तुओं का दान करें, अच्छा। मकर राशि की स्थिति, शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, ननिहाल पक्ष से कुछ शुभ समाचार मिलेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम ठीक ठाक है और व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी होती जा रही है, हरी वस्तुओं का सेवन करें, हरी वस्तुओं पे पास रखें, आपके लिए अच्छा हो। कुंभ राशि, बच्चों के सेहत पे ध्यान दें, थोड़ा सा जरूरी है ये, और मन भयभीत रहेगा, दिमागी तौर पे आप परेशान रहेंगे, कुछ काली वस्तुओं का दान करें, कुछ हरी वस्तु अपने पास रखें और गणेश जी की वंदना करें। स्वास्थ्य मध्यम है, प्रेम मध्यम है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चल रहे हैं। मीन राशि, घर में थोड़ी सी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही है, तुतु मैमे की स्थिति हो सकती है या कुछ कलाकारी सृष्टि का सृजन हो सकता है, भूम भवन वाहन की खरीदारी में अभी विराम लगाएं, अभी ना सोचें और बाकी सब ठीक है। सीने में विकार संभव है, प्रेम की स्थिति ठीक ठाक है, व्यापारिक स्थिति ठीक है बट स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम दिख रहा है, हरी वस्तुओं का दान करें और काली वस्तुओं का दान करें, आपके लिए अच्छा होगा।
नमस्कार।